देश में जो अप्रत्याशित आपातकाल की स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से मोदी सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है, विपक्षी दलों के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है लगातार, ईडी को एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट इन्होंने बना के रख दिया है, लोगों को प्रताड़ित करने का जो षड्यंत्र लगातार ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा नरेंद्र मोदी रच रहे हैं, उसी के तहत अरविंद केजरीवाल जी को भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया था, उसी के लिए हम लोग यहाँ अनशन कर रहे हैं कि जो ये हो रहा है उसके लिए हम सत्याग्रह कर रहे हैं जनता से। देश में जो अप्रत्याशित आपातकाल की स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से मोदी सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है, विपक्षी दलों के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है लगातार, ईडी को एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट इन्होंने बना के रख दिया है, लोगों को प्रताड़ित करने का जो षड्यंत्र लगातार ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा नरेंद्र मोदी रच रहे हैं, उसी के तहत अरविंद केजरीवाल जी को भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया था, उसी के लिए हम लोग यहाँ अनशन कर रहे हैं कि जो ये हो रहा है उसके लिए हम सत्याग्रह कर रहे हैं जनता से, कि ये जो कार्यक्रम है उसके जरिए हम जनता तक ये सूचना पहुँचाएँ कि तानाशाही सरकार और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारा साथ दें और इंडिया गठबंधन को इस चुनाव में पूरी तरह से बहुमत देकर विजय बनाए ताकि इस देश में लोकतंत्र को बचाया जाए। ये शहीद स्मारक पे हम लोगों ने कार्यक्रम किया है आज सुबह 10 बजे से और शाम को 5 बजे तक हम लोग यहाँ पे हैं और सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को कर रहे हैं।